महिंद्रा कार है वाइट कलर की, उससे इस रास्ते से लोग आ रहे थे, तीन लोग आ रहे थे, कुछ पैसा लिए हुए थे साथ में उनको। यहाँ पर जो चढ़ने के लिए अटल पथ पे जो चढ़ता है ये रास्ता, यहाँ पर उनको तीन मोटरसाइकिल धारकों ने रोक लिया, कुल छह लोग थे, पिस्टल दिखाकर लोगों को उतार लिया और उसमें दो बैग थे पैसे के, पैसे को उस पैसे को लूट लिया है। पटना में सोमवार की दोपहर अपराधियों ने दिनदहाड़े 35 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने बिहार सरकार की पूर्व मंत्री वीना शाही के स्टाफ से रुपए लूटे हैं। लूट की ये वारदात अटल पथ पर हुई है। घटना की सूचना पर पाटलिपुत्र थाना समेत पटना पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि तीन बाइकों पर सवार छह अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार दोपहर 3:15 बजे असिस्टेंट मैनेजर संजीव सिंह अपने एक साथी के साथ 45 लाख रुपए पूर्व मंत्री के न्यू पाटलिपुत्र स्थित घर से लेकर कार से चला था। उसे आर ब्लॉक स्थित सोन भवन स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में रुपए जमा करने थे। कार में संजीव के साथ उसका एक साथी स्टाफ और ड्राइवर चंदन शर्मा, कुल तीन लोग सवार थे। वो जैसे ही अटल पथ पर उदय चौक के पास पहुंचे कि एक बाइक अचानक से ड्राइवर की साइड सट गई। इसके बाद बाइक सवार ने गाड़ी में स्क्रेच लगने की बात कह जबरन कार को रुकवा दिया और बहस करने लगा। इस बीच दो बाइकों से चार और अपराधी वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर कार को घर लिया और पिस्टल निकाल ली। इसके बाद कैश से भरा झोला छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर ड्राइवर और संजीव को थप्पड़ भी मारा। इसके बाद पिस्टल का डर दिखाकर कैश वाला झोला लूटकर फरार हो गए। सिटी एसपी सेंट्रल अमरीश राहुल ने इस वारदात की पुष्टि की है। हालांकि लूट की राशि वो 41 रुपए बता रहे हैं। एक महिंद्रा कार है वाइट कलर की, उससे इस रास्ते से लोग आ रहे थे, तीन लोग आ रहे थे, कुछ पैसा लिए हुए थे साथ में उनको। यहाँ पर जो चढ़ने के लिए अटल पथ पे जो चढ़ता है ये रास्ता, यहाँ पर उनको तीन मोटरसाइकिल धारकों ने रोक लिया, कुल छह लोग थे, पिस्टल दिखाकर लोगों को उतार लिया और उसमें दो बैग थे पैसे के, पैसे उस पैसे को लूट लिया है। वादी के द्वारा बताया जा रहा है कि कुल 41 लाख रुपये थे। अपने बैंक अकाउंट में जमा करने जा रहे थे। कोई फायरिंग की घटना की सूचना नहीं है।